हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, इस समय आपका यूपी पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर क्लासेस चैनल पर चल रही है। तो दोस्तों, इसमें आपको दोस्तों मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो लगातार अपलोड की जा रही है, और साथ में दोस्तों आपका ईडी और कम्युनिकेशन स्किल्स के भी दोस्तों 18 के बाद आपको दोस्तों उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों, इस समय आपका मैथमेटिक्स की बात करें, अप्लाइड मैथमेटिक्स का आपका मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच ये वीडियो अपलोड की जाती है मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। तो उससे रिलेटेड दोस्तों समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, द्विपद सिद्धांत और आपका सारणिक, ये 4 चैप्टर्स के दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 हमने बहुत से वीडियो अपलोड किए। अगर आप तक अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियो को देखें, उसके बाद दोस्तों इस वीडियो को देखें तो आपका क्रम से पूरा चैप्टर तैयार होगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम बात करेंगे आपका बीजगणित। क्या दोस्तों? बीजगणित सेकंड की, सदिश बीजगणित सेकंड की बात करेंगे। उसमें दोस्तों हम बात करेंगे सदिशों की योग और अंतर, इससे रिलेटेड दोस्तों जो सदिश बीजगणित सेकंड है ये भी आपका दोस्तों एक पूरा चैप्टर्स है। तो इसमें अंदर भी चैप्टर्स हैं, जैसे आपका सदिशों का योग और अंतर है, सदिशों का योग आपका गुणनफल है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी आपको बहुत से चैप्टर्स हैं। तो इनमें पहला जो चैप्टर्स है दोस्तों, उसमें हम बात करेंगे सदिशों के योग, अंतर एवं वियोजन का। तो इससे दोस्तों रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको और फार्मूलाज और रूल्स हम बताने वाले हैं। तो आप चैनल पर बने रहें, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रखें, और खासकर दोस्तों अगर डिप्लोमा स्टूडेंट है दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को प्रेस रखें। आपको सारे दिन में दोस्तों मैं वीडियो अपलोड ही करता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं सदियों के योग और अंतर की। तो पहला इसका कुछ हम फार्मूले आपको बता देते हैं, महत्वपूर्ण फार्मूले। जैसे आपका ये महत्वपूर्ण सूत्र में पहला कहता है दो सदिशों का ए बी तथा बी सी का योग। अगर दोस्तों आपको दो सदिश दिया गया है ए बी और बी सी, तो उनका अगर आप योग करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? ए सी। अर्थात जो आपका कॉमन होता है बी और बी, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और आपका बचता है ए सी। ठीक है, तो अगर आप दो सदिशों का योग करते हैं तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आता है। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड जब हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आएगा। हम कुछ पहले आपको फार्मूले को दोस्तों इंडिकेट कर रहे हैं, आपको संकेत बता रहे हैं कि आपको ऐसा होता है। तो दोस्तों दो सदिशों का अंतर की बात करेंगे तो आप करेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, अगर आपको दो सदिशों का अंतर कहता है तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको अगर लिखा है ए बी, तो इसको ए बी को हमको लिखना है, तो ए बी को हम ये भी लिख सकते हैं वेक्टर बी का स्थिति सदिश माइनस वेक्टर ए का स्थिति सदिश। जैसे कि आपने पढ़ा होगा तो वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अगर हम O के सापेक्ष यहाँ पर पॉइंट मान लिया जाए, तो O के सापेक्ष अगर मानेंगे तो आपका O का B का स्थिर सदिश माइनस A का स्थिर सदिश, वो क्या होगा? AB का सदिश होगा। तो AB को O का OA माइनस OB लिख सकते हैं। ठीक है, अगला फार्मूला दोस्तों आपको है, यदि किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष A तथा B बिंदुओं के स्थिर सदिश क्रमशः A तथा B का अनुपात में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो बिंदु यहाँ पर जो दोस्तों दिया गया है कि सदिश ए और बी है, तो बिंदु पी ए बी को एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो अगर दोस्तों आपको एम अनुपात एन में दो भागों में विभाजित करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको ये फार्मूले को पुटअप करना होगा। तो पी का स्थित सदिश आपको निकालना होगा, तो पी का स्थित सदिश क्या होगा? ओ पी। ओ पी क्यों? ओ के सापेक्ष किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ओ पी किया जा रहा है। ठीक है, ओ पी के ओ के सापेक्ष है, तो ओ पी का स्थिर सदिश होगा। P का स्थिर सदिश क्या होगा? OP। इक्वल क्या होगा दोस्तों? आपका n वेक्टर A प्लस m वेक्टर B अपान m प्लस n होगा। ठीक है, तो ये P का स्थिर सदिश आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाता है कि मूल बिंदु O के सापेक्ष AB दो बिंदुओं हैं, उनकी स्थिर सदिश A और B है, तो बिंदु P AB को m अनुपात n में जो विभाजित करता है वो क्या है? तो आपको इस फार्मूले से पुट करके निकालना है। अगला दोस्तों है आपको ए बी के मध्य बिंदु का स्थित सदिश। तो ए बी आपको दिया गया है, तो वेक्टर ए माइनस प्लस वेक्टर बी अपान टू कर देंगे। जब आप टू करते हैं तो आपका क्या आ जाता है दोस्तों? अपान, जैसे टू करेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों कितना? ए बी के मध्य बिंदु का स्थित सदिश। दोस्तों यहाँ इसमें कुछ अभी हमने सभी फार्मूले नहीं बताए, जैसे जैसे आपका वीडियो हम अपलोड करेंगे, अब आपका दोस्तों मल्टीप्लिकेशन से अर्थात आपका गुणनफल से दो सदस्यों का गुणनफल अपलोड करेंगे, तो उससे रिलेटेड पहले आपको फार्मूले बताएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताएंगे। इसी प्रकार इसमें हमने उसको आपको इतने फार्मूले बताए, अब इससे रिलेटेड दोस्तों जो क्वेश्चन है उसको आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका यही आता है दोस्तों, ये कहीं क्वेश्चन आप आया हुआ है, ये आपका 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है,
ये आपका डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट का 2015 में क्वेश्चन आया। तो इसमें यही कहा जा रहा है आपको, वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है। वेक्टर ए की वैल्यू दोस्तों दी गई है आपको 3i - j + 5k, वेक्टर बी की दी गई -i - 5j + 3k। तो ये आपको वेक्टर ए और बी की दी, यहाँ पर आपको निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसके लिए क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपको। वेक्टर ए माइनस बी मतलब जैसे आप सिंपली लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं 5 में से 3 करते हैं, तो 5 में से 3 आप करेंगे तो क्या आएगा 2। बस यहाँ पर अंतर इतना है कि आपको जो माइनस करेंगे, आई को आई से करेंगे, जे को जे से माइनस करेंगे, के को के से माइनस करना है, ठीक है। जो सिमिलरिटी है उसी को उसी से माइनस करना या जोड़ना होता है, ठीक है। यही है वेक्टर का रूल। तो यहाँ सिंपल आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा, तो आपको वेक्टर ए की वैल्यू वहाँ पर पहले पुट कर देना है, बीच में आपको माइनस लगाना है, उसके जस्ट बाद आपको वेक्टर बी की वैल्यू रखना है, ठीक है। जब वेक्टर बी की आप रखेंगे तो आपको क्या करना है, इस वाले वैल्यू को तो आप सिंपली लिख देंगे, लेकिन इस वाले वैल्यू को क्या होगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ओपन होगा, तो माइनस आई हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो आपका प्लस 5j हो जाएगा, और यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -3k हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको सिंपली आप हल करेंगे तो 3i - 3+3i है, माइनस आई है, कितना आएगा 2i। हमने आपको बताया जो होगा वो आई आई के बीच होगा, जे जे के बीच होगा, और के बीच होगा, ठीक है। ये जोड़ और घटाने में यही होगा कि अगर आप जोड़ते हैं तो आई को आई से जोड़ेंगे, जे को जे से जोड़ेंगे, के को के से जोड़ेंगे, या घटाते हैं तो के को के से घटाएंगे, जे को जे से घटाएंगे, आई को आई से घटाएंगे। तो आप 3 में से आपको करेंगे 1 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2i आ जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ j है और यहाँ पर प्लस 5j तो आपका 4j आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको दिया गया है 5k, यहाँ 3k है, -3k, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2k हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका a माइनस बी की निकाल लेते हैं। इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये सब जितने में मैं आपको क्वेश्चन इस टाइप के अभी बताऊंगा, ये क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन आपको दोस्तों पेपर्स में मिलेंगे ही, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों, एग्जैक्ट नहीं तो आपके इस टाइप के जो होंगे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हमने एक ए माइनस बी का बताया, एक दोस्तों है आपको समतली। सिद्ध कीजिए कि 3a + b + 5c, और दूसरा है दोस्तों 4a - b + 2c, तीसरा है दोस्तों -6a + 5b + 4c। समतली हैं अर्थात एक ही तल पर हैं, समतली हैं, तो बताइए सिद्ध करना है कि क्या ये समतली हैं, सिद्ध करके बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया कि हम जानते हैं कि यदि किसी सदिश समतली हो, 3 सदिश क्या हो, समतली हो। ये 3 सदिश ही आपको दिए गए, कौन कौन से, ये आपको 1, 2 और आपका 3, ये तीनों एक सदिश हैं। तो इनको क्या किया गया है दोस्तों, ये बता रहे हैं समतली हैं, तो अगर समतली होंगे तो किसी एक सदिश को अन्य 2 सदिशों के रूप में व्यक्त किया जाता है, अर्थात ऐसे आपको लिखना होगा। माना आपका क्या हो दोस्तों, ये लास्ट वाला जो है, सिंपली आप इसको एक साइड में लिखिए, ठीक है। आपको जो तीसरा पॉइंट एक साइड में लिखिए, इसके फार्मूले होते हैं, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आप इसको सिंपली लिखिए, उसके बाद आपको इक्वल करना है अल्फा इंटू क्या, मान लीजिए ये एक्स है, तो अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई, वाई कौन सा है आपको, दूसरा वाई है। मतलब आप ऐसे मान सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए, मान लीजिए जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं जेड इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ऐसे आप लिख सकते हैं। और अल्फा की वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ अल्फा आपको पुट रखना है, एक्स की वैल्यू आपको ये पुट करना होगा, वाई की वैल्यू यहाँ पर इसको पुट करना होगा, और जेड की वैल्यू जो ये दी गई है यहाँ पर पुट करना होगा। जब आप इसको यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पर हमने पुट कर दिया, ऐसे जब पुट करेंगे तो आपको क्या है, अल्फा और बीटा को दोस्तों ओपन करके, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, अब दोनों तरफ के गुणांकों की तुलना करना है। तुलना करने का मतलब क्या है, यहाँ पर अल्फा को बीटा से जब यहाँ पर सिंपली ओपन करेंगे तो आपका ए जो होगा, ठीक है, उसको दोस्तों ए से तुलना करेंगे, बी को बी से करेंगे, सी को सी से करेंगे, ठीक है। उल्टा नहीं करना कि ए को बी से, सी से किसी से भी, ऐसा नहीं है, आपका ए तो ए से ही करेंगे, बी को बी से ही करेंगे। तो दोस्तों हम पहले देख लेते हैं, अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अल्फा से यहाँ पर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3α a हो जाएगा, आपका हो जाएगा अल्फा बी हो जाएगा, प्लस अल्फा आपका 5α c हो जाएगा। तो मतलब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऐसा ओपन होगा। तो आपको कैसे गुणांकों की तुलना के मतलब है, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको जो ए दिया गया वो 3a है, कितना दोस्तों 3α,
ए को आपको कॉमन रखना है, ए तो आपका हो गया, यहाँ पर एक ए है तो आपको यह लिखना होगा 3 अल्फा और यहाँ पर कितना है ए का 4 बीटा, तो वहीं पे हमने लिखा आपको 3 अल्फा, तो यहाँ पर 3 अल्फा लिखा, उसके बाद क्या है 4 बीटा, तो हमने यहाँ 4 बीटा लिखा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंपली आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है हमने, यहाँ पर हमने लिखा है 3 अल्फा 4 बीटा इक्वल 6। कैसे किया, ए की वैल्यू कितनी है इधर, इधर आपको तुलना इसको करके जोड़ करके इधर तुलना करना है, तो इधर तुलना करेंगे तो कितना है 6, तो -6 हमने यहाँ पर -6 से कितना है -6 है, तो यहाँ पर सिंपल -6 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, मतलब ए की पहले तुलना कर लेते हैं, फिर बी का कर लेते हैं, फिर सी का कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 को हल करके तीसरे के अगर उसमें पुटअप करते हैं, अगर वो सेटिस्फाइड अगर संतुष्ट करता है तो आपका ये समतली है, अगर नहीं करता तो असमतली है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको पहले ए की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू को इधर देखेंगे और इधर देखेंगे ए की वैल्यू, दोनों के क्या होगा इक्वल हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम दोस्तों जब अल्फा को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अल्फा आएगा, इससे बीटा करेंगे तो आपका माइनस बीटा आएगा, क्योंकि बी दोनों कॉमन हो गया, ठीक है। इधर भी आपका बी कॉमन, तो वो सब कैंसिल हो जाएंगे, और इधर आप क्या देख रहे हैं बी का क्या है गुणांक 5 है, यहाँ पर गुणांकों की तुलना करना, यहाँ आप देख लीजिए गुणांकों की तुलना करने पर। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर सी दिया है कि आपको 5 अल्फा हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना 5 अल्फा c आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिखा 5 अल्फा। अब c की तुलना करेंगे, c को जिससे तुलना वो उसको नहीं लिखना है, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, यहाँ बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 बीटा आएगा। अब यहाँ पर c है, यहाँ पर भी c है, और इधर कितना है c की वैल्यू 4 है, कितना गुणांक, ठीक है। तो इसको हमने आपने ऐड किया, ये 5 अल्फा हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 बीटा, और इधर आपका है दोस्तों 4 दिया, तो इक्वल 4 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर समझना होगा 2 अननोन दे इक्वेशन बहुत है, तो आपको इन दोनों इक्वेशन नंबर, ये 1 है इक्वेशन नंबर, ये 2 है, 1 और 2 को हल करेंगे तो जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन नंबर 3 में आपको सिंपली पुट करना, अगर पुट करने पर वो सेटिस्फाइड होता है तो आपका समतली। अब दोस्तों इसको आप हल करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपकी 2 आएगी और बीटा की वैल्यू -3 आएगी, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया थोड़ा मिस्टेक ये दिया गया है, यहाँ पर -3 होगा, ठीक है, यहाँ आपका +3 नहीं है, -3 होगा, तभी ये आपका सेटिस्फाइड होगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये आपका अल्फा बराबर 2 दिया है, बीटा बराबर -3 दिया है, इन दोनों को क्या करना है, इसकी दोनों को वैल्यू को उठाकर ये समीकरण नंबर 3 में रखना होगा। जैसे ही आप ये समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, ठीक है, तो आपका ये सेटिस्फाइड होगा। अब देखिए हम प्रूव करते हैं सेटिस्फाइड कैसे होगा, अल्फा की वैल्यू कितना रखना है 2, तो 5 * कितना हो गया दोस्तों, यहां देखिए 5 * 2 हो जाएगा, ठीक है, यहां अल्फा की जगह लो +3 * 2 * -3, बीटा की वैल्यू कितनी है -3, तो अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 * 2 = 10 -6, ये आपका होगा ना, तो 10 में 6 क्या है, कितना आएगा 4, इसके इक्वल हो गया ना 4, तो ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया, अर्थात ये क्या है समतली है। तो यही आपको करना है, आपको सिंपली आपको लिखना होगा, इसको एक साइड में लिखिए, मान लीजिए ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है, आपको लिखना है जेड बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, इसको रखकर आपको फिर गुणांकों की तुलना करना है, गुणांकों की तुलना करके दो इक्वेशन को हल करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है, उन अल्फा और बीटा की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रखना है, अगर वो सेटिस्फाइड अर्थात संतुष्ट करता है, उसके बराबर आता है तो आपका समतली है, अगर नहीं आता तो असमतली है अर्थात समतली नहीं है। अगला क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको दिया गया है, यदि सदिश आपका 2i - 4j + 5 के दिया है, i - λj + k, फिर तीसरा आपको दिया गया है सदिश समतली जो है 3i + 2j - 5 के, ये कह रहे हैं कि समतली है, तो बताइए कि आप लेमडा की वैल्यू इसमें क्या होगी, किसकी वैल्यू, लेमडा की वैल्यू आपको बताना है, ये ऑटोमेटिक पहले से ही कह रहे हैं ये समतली है तो लेमडा की वैल्यू, तो इसका एक फंडा है दोस्तों, इसका रूल क्या है कि आपको सिंपली अगर समतली कहा जाता है तो इसको सारणिक में क्या होता है कि जो समतली होता है वो पूरा 0 होता है, तो आपको इसको सारणिक के फॉर्म में लिख देना है। अगर सारणिक के फॉर्म में, जैसा कि आपको यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, इसको अगर आप सारणिक के फॉर्म में लिखे हैं तो आपका लिखा गया है क्या, ये पहला जो है दोस्तों सदिश, पहले की बात करें तो आपको सिंपली आपको दिख रहा होगा दोस्तों 2i 2 लिखा है, 2i की जगह पर 2 लिखा गया है, 4j की जगह पर -4 है, 5 है +5 है तो यहाँ पर +5 है। अगर दूसरे सदिश की बात करें तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ -1, यहाँ 1 है तो 1 होगा, -λ है, मतलब सिंपली आपको यहाँ पर पुट करना है, हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम आपको लिख के बता रहे हैं, जैसे आपको मान लीजिए ये लिखना है, ठीक है, तो आपको 2 - 4j + 5 दिया है, तो पहले सदिश को कितना लिखना है 2 - 4 और आपको 5, ये लिख गया। दूसरे सदिश की बात करेंगे तो आपको लिखेगा होगा 1 - λ + 1, ठीक है, ये आपका हो गया,
दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सदिश लिखा जा रहा है वो सिंपली आप इसको लिखे, जैसे हम आपको बता रहे हैं फिर से देखिए 2 हो गया माइनस 4 हो गया 5 हो गया, इसको लिखेंगे तो 1 लिखेंगे माइनस लिमडा लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3 लिखेंगे 2 लिखेंगे माइनस 5 लिखेंगे तीसरे सदिश को, मतलब आपको सारणिक में सिंपली लिखना है। उसके बाद क्या करना है, हमने आपको सारणिक में बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कैसे आपको ओपन किया जाता है। दोस्तों जो ये वो सारणिक होता है इसके ऊपर ये प्लस होता है ये माइनस होता है ये प्लस होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता है, तो आपको जो ओपन करना है वो यहाँ पर ओपन करना है, तो ये प्लस होगा ये माइनस हो गया ये प्लस होगा। तो जब ओपन करते हैं तो अगर आप मान लीजिए दोस्तों यहाँ 2 से जब हम ओपन करेंगे इससे, तो ये आपका खत्म हो जाएगा और एक रो एक कॉलम चला जाता है, इससे आप त्रियक गुणनफल त्रियक गुणा करते हैं, ठीक है। तो आप करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 आपका ओपन होगा, ठीक है। 2 जब ओपन करेगा तो दोस्तों ये आपका खत्म होगा, तो ये आपका माइनस लिमडा प्लस 5 हो जाएगा 5 लिमडा, और बीच में आपका दोस्तों माइनस 2 लगेगा, ये आपका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 होगा, तो 5 लिमडा माइनस 2 होगा। फिर हमने आपको क्या बताया कि इसके जस्ट बाद आपका माइनस लगता है, तो हमने सिंपली आपको माइनस लगा दिया। उसके बाद दोस्तों किससे ओपन करना है, माइनस 4 से, तो ये आपका दोनों खत्म, इससे इससे मल्टीप्लाई होगा। उसके पहले आपको क्या लिखना होगा, माइनस 4, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद क्या करना होगा, आपको ये खत्म हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 5 माइनस 3, यहाँ पर देख रहे हैं आप दोस्तों माइनस 5 माइनस 3 आपका आएगा। फिर आपको क्या करना है, प्लस लिखना है, चूंकि यहाँ पर जो होता है तीसरे में प्लस होता है, तो यहाँ हमने प्लस 5 लिखा, क्यों, चूंकि हम 5 से ओपन कर रहे हैं, किससे आप ओपन कर रहे हैं दोस्तों, 5 से ओपन कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब 5 से ओपन करेंगे ये खत्म होगा, 2 प्लस 3 लैम्डा हो जाएगा। अब दोस्तों आप ये इक्वेशन को इसको और सिंपली ओपन करेंगे, तो आप जब ओपन करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आपको इस प्रकार 26/25 इसका आंसर आ जाएगा। कितना दोस्तों, 26/25, 26/25 लैम्डा की वैल्यू आएगी। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन आपको 100% बता रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर्स में आते हैं या आपसे पूछा जाता है तो सिद्ध कीजिए समतली है, या आपसे कह दिया जाता है कि समतली है लैम्डा की वैल्यू बताइए, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं, तो इन तरह के जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं आप जरूर इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, हमारे वीडियो को देखिए, उसके बाद आप दोस्तों फार्मूला पढ़ें, उसके बाद आप दोस्तों कोशिश करें कि एक्सरसाइज जो आपकी बुक्स जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं उस बुक से पहले आप दोस्तों फार्मूला पढ़ें, उसके बाद एक्सरसाइज लगाएं, उसके बाद पहले दोस्तों आप फार्मूला पढ़ें, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज मतलब उसके पहले एग्जांपल लगाना है, तब आपको एक्सरसाइज पे जाना है, तभी आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस कर सकेंगे। दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको हमने बता दिया था पहले ही था, अंतर और योग वाला क्वेश्चन था। तो अगर आपको दोस्तों ये इसमें सभी क्वेश्चन आपको पुटअप हैं, अगर R1 की वैल्यू दोस्तों ये दी गई है, R2 की वैल्यू आपको दो सदिश दिए गए हैं, आपसे पूछा जाता है R1 + R2, ठीक है, वेक्टर R1 + वेक्टर R2 आपसे पूछा जाता है, तो सिंपली क्या करना होगा, वेक्टर R1 + R2 में क्या होगा, दोनों को ऐड करना है। तो इसमें दोस्तों I को I से, J को J से और K को K से ऐड करना है। तो जैसे आप देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर ऐड करेंगे तो 2I और I कितना हो जाएगा आपका, 3I हो जाएगा, 3I कैप, प्लस आपका 4J और 2J कितना हो जाएगा, 6J कैप हो जाएगा, प्लस माइनस 5K + 3K उतना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका -2K हो जाएगा, 2K कैप, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों आपका, फिर उसके बाद जो होगा आपसे पूछा जा रहा है अगला दोस्तों R1 - R2, वेक्टर R1 - R2 का मतलब क्या है, आपको R1 में से R2 को क्या करना है, माइनस करना है, तो आपको सिंपली जैसे हमने आपको बताया प्लस वैसे ही है माइनस, तो 2i में से i को करेंगे कितना आएगा, i कैप, ठीक है, फिर 4j में से आपको 2k करेंगे तो कितना, 2j माइनस करेंगे कितना आएगा, प्लस 2j कैप, फिर उसके बाद -5k में 3k करेंगे तो कितना आएगा, 8k कैप, तो इस प्रकार आपका आ जाएगी ये 2i वेक्टर R1 - वेक्टर R2। उसके बाद दोस्तों अगर इसका आप देख रहे हैं मॉड ऑफ वेक्टर, मॉड ऑफ आपको निकालना है वेक्टर R1 + वेक्टर R2, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे हमने आपको R1 + R2 की वैल्यू कितनी बताई है, R1 + R2 की आपकी हो गई 3i + 6j - 2k, इतना है, इसको मॉड का मतलब है आपको इसके अंडर रूट इसका परिमाण निकालना है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 + 6 का करेंगे 36 हो जाएगा, और यहाँ आप करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, -4, ये आपका हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है, -2 का कितना होगा, +4 होता है, तो आपका 36 और 9 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 और 9 49,
इसका रूट कितना होगा दोस्तों, 7। तो आंसर कितना आ गया आपका, 7। तो मॉड ऑफ वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r2 आपका आ गया कितना, 7। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, मतलब पहले आपको r1 प्लस r2 निकालना है, उसके बाद आपको मॉड का मतलब है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, किसका, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर जो अंदर आप ऐड करेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आप ऐड कर लेंगे, ठीक है, जो आपको दिया गया, जब r1 प्लस r2 ऐड कर लेंगे तो उसके बाद आपको इसको स्क्वायर करके लिखना है, जैसे हमने आपको अभी बताया। अगर r1 माइनस r2 की बात करें, मॉड ऑफ r1 माइनस r2 की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो पहले आपको r1 माइनस r2 निकालना है, जैसे हमने आपको बताया r1 माइनस r2 कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप और आपका हो जाएगा माइनस 8k कैप, ये आपका हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको अंडर रूट इसको भी लेना है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 4 हो जाएगा, और यह आपका हो जाएगा प्लस 8, नहीं कितना हो जाएगा 64। तो आपका ये 64, 4 हो गया आपका 68, 1 आपका 69, तो ये आपका रूट में इतना आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, सबका मॉड से आप निकाल लेंगे उसका परिमाण। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका है कि R1 तथा R2 के बीच योग के समानांतर इकाई सदिश बताइए। तो इकाई सदिश का मतलब है दोस्तों, आपको निकालना एक ही फार्मूला है, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R1 प्लस R2, बस यही फार्मूला आपको यहाँ पर पुट करना है। मतलब पहले आपको दोस्तों R1 वेक्टर R1 प्लस R2 निकालना है, जो कि ऊपर होगा, जैसे कि आपको दोनों को ऐड करके लिखेंगे, फिर उसको आपको परिमाण से डिवाइड करना है, कितना, 7 आया था आपका परिमाण, उसका क्या मॉड ऑफ जो आया था 7 आया था, तो उसी से आपको डिवाइड कर देना है। वही आपसे कह रहे हैं योग के समानांतर इकाई सदिश, इकाई सदिश लगा मतलब परिमाण निकला, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे, ये आपको R1 प्लस R2 और मॉड ऑफ R1 प्लस R2 और मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है। अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। ये दिया है आपको दोस्तों चार इकाई सदिश, सिद्ध कीजिए कि चार बिंदु जिनके स्थिति सदिश आपको ये दिए गए हैं, उनमें आपको बताइए कि ये समतली हैं। बस आपको इसमें यही पूछा गया है, जो चार दिए गए हैं बताइए कि सदिश समतली हैं। तो इनमें क्या हो दोस्तों, हमको मानना पड़ेगा, माना कि चार जो बिंदु दिए हैं ABCD हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, O के एक सापेक्ष, एक पॉइंट के सापेक्ष हमको लेना होगा। तो हम मानते हैं OA बराबर आपको दिया गया है इतना, जो पहला सदिश दिया गया है, OB बराबर आपको दिया गया है दोस्तों जो दूसरा सदिश है, OC बराबर आपको वो दिया गया है जो तीसरा सदिश है, ठीक है। OC बराबर आपका क्या है, तीसरा सदिश है, और OD बराबर आपको दिया गया है दोस्तों, OD बराबर आपको जो दिया गया है वो चौथा सदिश है। तो इस प्रकार आपको चार सदिश दिए गए हैं और हमने उसको मान लिया। अब क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ इसको प्रूफ करना है कि ये हैं, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, समतली जो होते हैं, हम आपको बताया कि जो समतली होते हैं लास्ट में क्या होता है कि उनका जो सारणिक का मान होता है वो जीरो होता है, अगर वो समतली हैं, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए आपको पहले इसको क्या करना होगा, यहाँ आपको निकालना होगा AB की वैल्यू। AB निकालने के लिए लिख सकते हैं इसको OB माइनस OA, समझिए दोस्तों, अगर आप AB वेक्टर AB लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर OB माइनस OA, ठीक है। तो आप कहाँ से OB क्या है वैल्यू, OB की आपको ये दी गई है और OA की वैल्यू ये दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर हमने पुट किया, माइनस लगाया, उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, हल करा, तो कितना आया आपका माइनस 4i माइनस 6j माइनस 2k। हमने आपको माइनस करने का तरीका ऊपर बताया कि आपको सिंपली इसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको प्लस माइनस जो घटता या जुड़ता है उसको करने के बाद सिंपली करेंगे, तो आपका OAB की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर AB। उसके बाद आपको निकालना है वेक्टर AC। वेक्टर AC कैसे निकालना है, वेक्टर AC को आप लिख सकते हैं वेक्टर AC इक्वल टू वेक्टर OC माइनस OA, ठीक है। जो लास्ट वाला उसको पहले लिखना है O के साथ, OA माइनस OC माइनस OA, ये सदिश के फॉर्म में होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, आपका OC दिया गया है, OC आपको ये वैल्यू दी गई है, माइनस लगाया गया है, फिर उसके बाद आपको OA की वैल्यू, OA की वैल्यू क्या है, पहले जो दिया गया है, फिर आपको सिंपली इसको माइनस से ओपन करना है, उसके बाद आप जब करेंगे तो आपका सिंपली आ जाएगा AC बराबर इतना आ जाएगा, ठीक है। हमने आपको बताया कि माइनस कैसे किया जाता है, I को I से माइनस करना है, J को J से माइनस करना है, K को K से माइनस करना है, अगर जोड़ रहे हैं तो I को I से जोड़ना है, J को J से, मतलब सिमिलरिटी को जोड़ना है, जो एक दूसरे से मतलब समानता रखते हैं उनको जोड़ना है, ठीक है। ये नहीं कि आप I को J से जोड़ सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों जब आप जोड़ेंगे तो AB और AC की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद जस्ट आपको AD की वैल्यू निकालना है, क्योंकि दोस्तों जो आपका समांतर श्रेणी मतलब आपका जो ये सारणिक लगता है वो 3x3 का होता है, ठीक है, ये 3x3 का होता है। तो आपको 3x3 के फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको AB, AC और आपका AD के फॉर्म में होना चाहिए। अब हम निकालेंगे AD, AD क्या होगा, OD माइनस OA,
ठीक है, जब इसको आप भी इसको पुट करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। दोस्तों आप आराम से इसको आराम से पूरा हल करेंगे तो आपका सिंपली इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो ए बी ए सी ए डी किया है इसको आपको सारणिक में रखना होगा। कैसे रखना होगा, ए बी की वैल्यू हमने क्या निकाला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ए बी की वैल्यू ये निकाला है और ए सी की वैल्यू इसको निकाला है। सिंपली आपको इसी को वहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस टू है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू यहाँ कितना पुट किया गया है, ए बी की वैल्यू यहाँ पर पुट किया गया है, यहाँ देखिए माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस टू। इसी प्रकार बी की आपको ए बी ए सी की देखेंगे तो माइनस फोर आपको माइनस वन फोर थ्री है। इसी प्रकार आप देखेंगे ए डी की वैल्यू तो आपका कितना है, माइनस एट माइनस वन माइनस थ्री, माइनस एट माइनस वन माइनस आपका प्लस थ्री, ठीक है। तो आप पुट करेंगे, उसके बाद इसको सोल्यूशन पूरा हल करते हैं। और हल कैसे करेंगे दोस्तों, पहले आपका फोर के लिएंगे तो फोर लेंगे तो आपका रो एक कालम आपका खत्म हो जाएगा। तो आप इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा चार तीन बारह प्लस तीन आ जाएगा। फिर उसके बाद आप माइनस सिक्स से ओपन करेंगे, फिर उसके बाद आपको माइनस टू से ओपन करेंगे। इस प्रकार आप ओपन करके हल करेंगे दोस्तों। आप ओपन करना तो जानते होंगे दोस्तों, आपको पहले इससे ओपन करना है तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप सिक्स से ओपन करते हैं तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप दोस्तों माइनस टू से ओपन करते हैं तो आपको इससे इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। तो इसका मतलब क्या है, चारों बिंदु समतली हैं। इसका मतलब यही हुआ कि चारों बिंदु क्या है दोस्तों, ये समतली हैं। तो आपको इसी प्रकार आपको ए बी ए सी ए डी की वैल्यू पहले निकालना है। पहला पॉइंट जो है, अगर आपको चार बिंदु दिया जाता है तो पहले तो आपको ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपको ए बी ए सी और ए डी निकालना है। उसके जस्ट बाद आपको सारणिक के फॉर्म में जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐसे ही आपको रखना है। उसका आंसर अगर जीरो आता है तो वो समतली है, अगर नहीं आता है तो समतली असमतली है, मतलब समतली नहीं है दोस्तों। अगला पॉइंट ये है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, समकोण आता है पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पूछा गया, सिद्ध कीजिए कि सदिश जो आपको दिए गए हैं ये तीन, इनमें बताइए कि समकोण त्रिभुज बनता है। ये जो तीन आपको सदिश दिए गए हैं इसमें पूछा जा रहा है कि ये तीनों मिलाकर मतलब समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो और आपको ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, समबाहु त्रिभुज आपका आता है, ठीक है। जरूरी नहीं आपका समकोण त्रिभुज आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज ज़्यादातर आता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देखें। तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको ए की वैल्यू ये हो गया, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू आपको क्या करना है दोस्तों, ए और बी सी सी का पहले क्या निकालना है, आपको परिमाण निकालना है। तो ए का परिमाण निकालने के लिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया है 3i माइनस 2j प्लस k दिया है। तो इसका परिमाण निकालने के लिए क्या होगा, आपका 9 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 9 4 13 कितना हो जाएगा, रूट 14। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, a की वैल्यू कितना है, रूट 14। बी की निकालेंगे तो बी को आपको कुछ भी नहीं करना, बी का आपका क्या है दोस्तों, यहाँ वन का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ माइनस थ्री है तो कितना हो जाएगा, प्लस नाइन हो जाएगा। यहाँ है तो कितना, फाइव है तो प्लस 25 हो जाएगा। तो आपका कितना, 25 9 34, 25 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 25 और 9 आपका हो जाएगा यहाँ पर 34 एक 35। अंडर रूट कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर यहाँ आपका हो गया दोस्तों अंडर रूट 35। और यहाँ पर आप निकालेंगे दोस्तों, इसको निकालेंगे अंडर रूट सी की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16। तो 16 एक 17 और 17 और 4 अब कितना हो गया आपका, 21, ठीक है। तो रूट 21 आ गया। इस प्रकार दोस्तों अब क्या होता है, समकोण त्रिभुज का नियम क्या होता है उसको आपको लगाना है। तो समकोण त्रिभुज का नियम क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो आपका b बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर आता है तो वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज का उस पर नियम लागू होता है। अगर समकोण त्रिभुज है, अगर आप देखिए ये समकोण त्रिभुज आपका हुआ, समकोण त्रिभुज क्या हुआ, ए बी सी, या आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर ए बी सी, ये अगर समकोण त्रिभुज है दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज है तो आपका क्या होगा, यहाँ पर जो बी स्क्वायर बराबर होगा वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए स्क्वायर की वैल्यू 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपका मतलब रूट 14 करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा, और अगर आप 21 का करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, रूट 21 का 21 हो जाएगा। तो 14 प्लस 21 कितना आएगा, 14 प्लस 21 आपका 35 आएगा, और 35 क्या है दोस्तों, वो आपका बी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है दोस्तों, बी की वैल्यू। तो यही तो आपको प्रूफ करना है, जो आपको प्रूफ करना है वो आपको मिल गया, अर्थात ये क्या है, समकोण त्रिभुज में है, ठीक है। अगर आप दोस्तों, आपको इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको
वो डिपेंड करता है दोस्तों क्या पूछा जाता है, उस हिसाब से आपको रूल को लगाना है। लेकिन जो आप पहले ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे वो आपको परिमाण सभी में निकालना होगा, उसके बाद उस रूल को फॉलो करना होगा। दोस्तों इसके लिए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लेकर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना आंसर आपको आया है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर आपको लेमडा की वैल्यू निकालना है। यहाँ दोस्तों ए बी सी एक समतल में है, ए बी सी एक समतल में है, ए की वैल्यू आपको दोस्तों ए की वैल्यू हम बता दे रहे हैं, आपको दिया गया है 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है। और b की वैल्यू आपको दिया गया है i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है। ये a की वैल्यू हो गई 2i माइनस जे प्लस के, b की वैल्यू हो गई i प्लस 2j माइनस 3k, और c की वैल्यू जो आपको दी गई है 3i प्लस लेमडा j प्लस 4k, ठीक है। ये आपको तीन वैल्यू दी गई है, इसको आपको प्रूफ करके बताना है। इसमें क्या बताना है आपको, कुल मिला के लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर आया, क्योंकि हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हमने बताया है। अगर आप उस क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ आप लगा सकेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 बजे ज़रूर देखें। और दोस्तों और भी वीडियो, इससे पिछली वीडियो जो आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।